अवधेश जी, क्या आप इस विश्लेषण से सहमत हैं अनिला जी के कि पहली वेव इसलिए कंट्रोल हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में कंट्रोल था और दूसरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राज्यों के हाथ में कंट्रोल था? देखिए दीपक जी, अगर जो केंद्र की में सत्ता जिसकी है और जो विपक्ष है, अगर उनके दावे प्रतिदावों में जाएंगे तो हम सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये बात सच है कि अगर पहले दौर में जिसमें अमेरिका में दुनिया में इतने भीषण संहार हुए, अगर प्रधानमंत्री अपने हाथ में नेतृत्व लेकर के लॉकडाउन लगाता है, आलोचना सुनता है और हमारे देश में अत्यंत ही कम क्षति हुई इतनी भारी संख्या के बावजूद, तो इसका श्रेय किसको जाएगा? ये बहुत सामान्य सी बात है। या विपक्ष इसकी जितनी आलोचना करे, उस समय तो कहा गया कि लॉकडाउन लगा के देश को डुबा दिया, लॉकडाउन लगा करके देश की इकोनॉमी ढह गई, सारी बातें हुई। हमारे मित्र आशुतोष जी बैठे हैं, अब मतलब इतने जिम्मेवारी से बात करते रहे, मैंने इनके भी डिबेट सुने, कितनी आलोचना इन्होंने प्रधानमंत्री की थी। और हम लोगों को भी लगा कि भैया ये तो लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन अगर आज के समय में निष्कर्ष निकाले तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में बहुत आलोचना हुई, लेकिन आज अमेरिकी मीडिया कह रही है कि उस आदमी ने वैक्सीनेशन कराया, मॉडर्ना जैसी कंपनी को जो वैक्सीन के क्षेत्र में नहीं था वैक्सीन बनाने की अनुमति दी, उसकी प्रशंसा हो रही है। तो वही हालत नरेंद्र मोदी की थी। लेकिन दूसरी बात जो मैं जिसकी ओर इशारा करना चाह रहा हूं, हमारे दूसरे जो है साथी अपने अभय दुबे जी बता रहे थे, जरा मैं एक दो चीज जरा कोट कर देता हूं, मैं करता नहीं हूं लेकिन मुझे थोड़ा तकलीफ है इसलिए कोट कर दे रहा हूं। 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा कि राज्य सरकारों को अत्यधिक पावर वैक्सीन खरीद में मिलनी चाहिए, केंद्रीकरण जो है घातक प्रवृत्ति है। अंग्रेजी में लेटर है, पूरा लेटर मेरे हाथ में है। 7 अप्रैल को उन्होंने वैक्सीनेशन फॉर ऑल की मांग की थी। अब आगे आइए, आनंद शर्मा ने विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि वी आर ए फेडरल कंट्री, हेल्थ इज ए स्टेट इश्यू, द एपिडेमिक इज सेपरेट, बट वेन इट कम्स टू हेल्थ केयर द सेंटर कैन नॉट कंट्रोल, द सेंटर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू से। अब उसके बाद सोनिया गांधी का भी इसमें आ रहा है कि उन्होंने लिखा कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो सोनिया जी पत्र लिखती हैं कि भैया ये तो केंद्र ने अपना अधिकार छोड़ दिया। दीपक जी जवाब देने का समय दीजिए, एक सेकंड सुनिए। जिस देश में वैक्सीनेशन और कोविड जैसे महामारी को लेकर के इस देश के राजनेता इस प्रकार से पाखंड और गैर जिम्मेवार व्यवहार करेंगे, वहां उस देश में क्या हो सकता है? आप देख अरे आप कुछ भी कर दीजिएगा, मैं मुझे अवसर दीजिए, बताइए ना, फैक्चुअली गलत है। हाँ, जिम्मेवार भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने मार्च में, अरविंद केजरीवाल अप्रैल में कह रहे हैं राज्यों को अधिकार दिया, मई में आकर राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, ये क्या? सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी दीपक जी, बिल्कुल लिखी, 9 अप्रैल की चिट्ठी मेरे हाथ में है। हाँ लिखी। अरे बोलिए अभय जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए अवधेश जी, सुन लीजिए अभय दुबे जी की बात। बिल्कुल सुन रहा हूँ। अब दीपक चौरसिया जी, देखिए दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। दो बड़े अच्छे विद्वान पत्रकार हैं, अध्ययन करके आते हैं और बहुत अच्छा तर्क दिया। पूरे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि जून जुलाई में अमेरिका में फर्स्ट वेव आई है, उसके 3 महीने बाद हिंदुस्तान में आएगी, और वही हुआ, सितंबर में हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई। फिर सारे साइंटिस्ट ने कहा कि अमेरिका का दिसंबर जनवरी में दूसरी वेव आई है और भयावह है, वो इसलिए कि वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा था, उसके स्पाइक प्रोटीन्स के प्रोटोमर्स खुल गए हैं जो बहुत घातक हैं, और वही हुआ, उसके ठीक 3 महीने बाद हिंदुस्तान में प्रचंड वेव आई। अब जो ये बात कह रहे हैं अवधेश जी, मैं सहमत हूं, राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी तो इसका अर्थ क्या था? क्या राज्यों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप की कमेटी ने अधिकार सौंप दिए? क्या फाइजर को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या मॉडर्ना को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या उस समय स्पुतनिक को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या उस वक्त नोवेक्स को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या जाइडस कैडिला की वैक्सीन को दे दी? किससे खरीदते राज्य, ये तो बता दीजिए, ग्लोबल टेंडर में किससे खरीदते? जब तक केंद्र की सरकार अनुमति नहीं देती, भारत का संविधान कहता है कि कोई राज्य किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो राज्यों के पैर बांध दिए प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि जाओ रेस में दौड़ लगाओ। तो क्या यह संभव होता है? यह षड्यंत्र हिंदुस्तान के राज्यों के साथ किया इस केंद्र सरकार ने।